दोस्तों सत श्री अकाल। सो अज की वीडियो आप स्पैशल बनाने जा रहे हैं। पूछा देखो तुहाडे सामने सारे ने पेस्ट भी हो चुके हैं, तो बाकी काम हजे पेंडिंग है। तो आप एक क्लाइंट नाल थोड़ी गल करा रहे, उन्होंने सवाल सके भी साड़ियाँ मुछा कितनी देर चलनगियाँ। सो ये सवाल सिर्फ इंडिविजुअल ने, यानी कि असी मुछा बनाने वाले हाँ, मुछा शेप देने वाले हाँ, तो आप गल करते हैं क्योंकि इन्हों की संभाल बहुत जरूरी है। असी घर जाके जिमें मतलब एक ड्रायल होंगे बड़ा, ये वाला ड्रायल असी ज़्यादातर घर के ड्रायल यूज करते हैं। सो ये ड्रायल ना यूज कराया करो क्योंकि ये तो जो वाल ने हवा का फ्लो होने करके ज़्यादा मतलब उस हिसाब न रोटेट नहीं होंगे। आओ जी तो आप गल करते हैं जी। नैक्सट इतने भीर जी से जो मैं इन्होंने मुछा सैट कर रहा है, तो इन्होंने सवाल करा जी साड़ी मुछा जो मेरे को पहला आए साड़ी कि मुछा चलनगियाँ। सो ये संभाल भीरो थोड़े से डिपेंड करता है, तुम मुछ न करें घर के जो असं सवेरे तैयार होंगे वाश होंगे, वाश होने बाद गिली मुछ से ड्रायल करनी होंगी। ड्रायल होंगी छोटी, जिनी छोटी ड्रायल यूज करोगे थोड़ी मुछ की लाइफ उन्नी वधिया। किवें यूज करनी है आप सिर्फ इस थोड़ा जहा पॉइंट आप थोड़ी गल कर रहे हैं। इस पर इदा करके हल्का जहा फटके भी अपने ड्रायल करनी है गिली मुछ में। हाँ हल्की जी गिली होनी चाहिए, ज़्यादा गिली नहीं फिर तुम ज़्यादा देर तक करी जाओगे। तो यह जो हवा का फ्लो है बहुत घट रखना है, ज़्यादा नहीं रखना। तुम सारे देख ही रहे हो इस चीज़ का ज़्यादा फोकस रखना, क्योंकि मुछ में वट किमें दें वीर जी तुम देख दिखाए वट। हाँ ये इन्होंने ना जी मतलब जोड़ा वट देने का तरीका है, जिमें अपने मतलब पेचकस हाथ से फड़ लिया पूरी चाड़ती, इदा करके मुछ की शेप को मतलब अभी खराब कर लें जो असं वट दें। यदा देने का तरीका की है वीर, तुम इदा करोगे सिर्फ इदा करके जी थोड़ी उंगल ये घूमनी चाहिए थोड़ी मुछ जोड़ा लड़ा लड़ के उत्ते आके सुने सिर्फ इदा करना हल्का जहा, होर कुछ नहीं करना। ये मुछ थोड़ी लाइफ ज़्यादा बन जाएगी, बस एदू बड़ा कोई मैथड नहीं है। जो असं की करते हैं असं की करते हैं ऐ उंगल पा लें बिच इदा, वो मुछ की शेप खराब हो जाती है, कभी मूहरे आ जाती है, ज़्यादातर तो मूहरे आते हैं असं आप चैनल पर। सो मैं कहना चाहना भी जेकर थोड़ी मुछा की प्रॉब्लम है, किसी तरह की दाढ़ी के बीच बाल झड़ते हैं या डैंड्रफ है, तो मेरे चैनल पर जाओ सब्सक्राइब करो, चाहे ना करो कोई चक्कर नहीं, पर उत्थे जाके वीडियो में सवाल आपका देख सकते हो, तुम्हें बहुत वधिया हल मिलेगा। तो दोस्तों बहुत वधिया थोड़ा प्यार मिल रहा, कोशिश कर रहे हैं है ना नवा कोई परिवर्तन करने की, थोड़ी टौर नू थोड़ी लुक नू एक वधिया मतलब जिहड़ा देख के ये लगे भी हाँ भी बहुत वधिया थोड़ी मुछां दी शेप है। सो मिलते हैं अगली वीडियो के वीर जी, थोड़ा थोड़े सवाल का जवाब मिल गया ना। हाँ जी होर कोई सवाल है दस सकते हो घर के किसी भी की लावा इन्हें है ना। ओके लाने वास्ते जी सब तो पहली गल तो यह है भी साडा अपना बनाया तेल है जी, आलमोस्ट सारे पंजाब दे विच बाहर भी आप कोरियर कराते रहने। जे तुहानू लगता है तो तुम ये भी ले जा सकते हो, नहीं घर के अपने घर जिम्मे सरों का तेल कढ़ा के रखते हैं आप, ज़्यादातर उ हाइजेनिक होंगे ना वो अपना, अपन पता होंगे भी कि तेल निकलिया हो, जो बाहरों मिलता तो उन्होंने आप विश्वास ट्रस्ट नहीं कर सकते। सो ये चीज़ जरूर ध्यान रखियो भी वधिया तेल लाओ, जड़ च लाओ, तो शाम सवेरे वाश कर दो। एक बार वाश करना जरूरी होंगे, ये नहीं होंगे आप वारी वारी उस तेल लाई जाइए, वो मुछा की जी डेंसिटी वह घट जाती है। ठीक है जी इस चीज़ का बटा जोर दी ना दो। सो उम्मीद है तुम मेरी वीडियो तो सैटिस्फाइड होवोगे, जे तुहाडा सवाल है तो कमेंट के जाके जरूर करा करो। मिलते हैं अगले वीडियो के, सत श्री अकाल जी।